सर्वांना नमस्कार. फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत. मित्रांनो, इयत्ता 9वी द्वितीय घटक चाचणी विषय हिंदी कृतीपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. नमुना कृतीपत्रिका आहे, नमुना प्रश्नपत्रिका आहे, वेळ 1 तास, एकूण गुण आहे 20. तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती आहे की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील. 10वीची कृतीपत्रिका डोळ्यासमोर ठेवून ही 9वीची कृतीपत्रिका तयार करण्यात आलेली आहे. तर चला बघूया आपण. प्रश्न पहिला, निम्नलिखित परिच्छेद पढकर सूचना के अनुसार कृतिया कीजिए. परिच्छेद, ये परिच्छेद दिया है नीचे, भारत में धूम मचा गई है, यहाँ से लेकर मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा, यहाँ तक ये परिच्छेद है. और पहला प्रश्न इस पर, रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार. कौन से विचार परिच्छेद में दिए गए हैं? तो इसमें इनाम मिलेगा या नहीं, बिजली कंपनी में दरख्वास्त, रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे और घरेलू पावर चाहिए, ये घर वालों के विचार है. पत्नी ने लेखक की प्रशंसा इन शब्दों में की. कौन से शब्दों में की? टेलीफोन और अच्छे लेखक, इन शब्दों में की. रेफ्रिजरेटर आने के बाद बच्चे क्या करने वाले हैं? 3 नंबर का प्रश्न है. रेफ्रिजरेटर आने के बाद बच्चे क्या करने वाले हैं? तो रोज आइसक्रीम खाने वाले हैं और बर्फ के क्यूब चूसने वाले हैं. इसी पैराग्राफ कर 4वां प्रश्न है, किसने किससे कहा? एक अंक के लिए, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो और हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे. हमारे टेलीफोन तुम ही हो, पत्नी ने लेखक से कहा, और हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे, हेमंत ने अपने पिताजी लेखक से कहा. हेमंत ने अपने पिताजी लेखक से कहा. परिच्छेद के आधार पर एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिसका उत्तर निम्नलिखित हो. और क्या उत्तर होना चाहिए? छत. छत ये उत्तर होना चाहिए. इसके लिए प्रश्न ऐसा तैयार करना पड़ेगा, लेखक और उनकी फैमिली कहाँ लेटे थे? तो कहाँ लेटे थे, इसका उत्तर है छत पर, छत. ओके. प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए. स्वमत लिखना है 2 अंक के लिए. प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखना है. तो आप लिख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान के समान है क्योंकि वह मानव का जीवन सुगम बनाते हैं. प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव इस धरती पर जीवन जी नहीं सकता. प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, प्रकाश, धूप, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संसाधनों के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता. हवा, पानी, रोशनी, धूप सब की आवश्यकता मनुष्य के जीवन के लिए बेहद आवश्यक है. यदि यह सब अधिक संसाधन मनुष्य को नहीं प्राप्त हो तो वह उसका जीवन भी संभव नहीं है. इस संसाधनों के अतिरिक्त अन्य कई तरह के प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के जीवन को सुगम बनाते हैं. अनेक तरह के खनिज पदार्थों से उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण किया जाता है. इस प्रकार जो भी प्राकृतिक संसाधन है वह सभी मनुष्य के लिए वरदान के समान है. दूसरा प्रश्न है, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. कविता दिए वो पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने. कविता ये, बिना विचारे जो करे सौ पाछे पछताए, यहाँ से लेकर चलिए चाल सुचाल रखिए अपनो पानी, यहाँ तक ये कविता है. और पहला प्रश्न इस पर, बिना सोचे काम करने के परिणाम. 4 परिणाम लिखना है. एक ये 2 अंक के लिए है. तो जग में हंसी, बाद में पछताना, काम बिगड़ना और शांति न मिलना, ये बिना सोचे काम करने के परिणाम कविता में बताए गए हैं. दूसरा प्रश्न इस कविता पर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, पद्यांश का भावार्थ लिखिए. इस पद्यांश का भावार्थ लिखना है. व्यक्ति कोई भी कार्य यदि बिना विचार करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है क्योंकि बिना विचार पूर्वक किया गया कोई भी काम
ठीक से पूर्ण नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति अपना काम भी बिगाड़ता है और समाज में वह हंसी का पात्र भी बन जाता है, जिसके कारण उसका मन निराश रहता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में खान सम्मान पान आदि किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता, अर्थात उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। गिरिधर कवि कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसके मन से दुख दूर नहीं होता है और न वह उसे टाल सकता है। बार बार उसके मन में वही बात खटकती रहती है कि उसने बिना विचार किए काम क्यों किया था। उसे अपने अनजाने में ही की गई गलती पर पछताना भी पड़ता है। सोमत ऐसा लिख सकते, सॉरी भावार्थ ऐसा लिख सकते हैं, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। सच ही कहा गया है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। खुशियाँ संपत्ति की भांति होती है, जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति का जितना दान करते हैं उतनी वह बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार हम जितनी खुशियाँ लोगों में बांटेंगे उतनी ही मात्रा में वह बढ़ती है। अगर आप किसी की आंखों में दर्द देखते हो तो उसके साथ अपने आंसुओं को बटाओ। अगर आप किसी की आंखों में मुस्कान देखते हो तो उसके साथ अपनी खुशियाँ को बांटो, आपको परम सुख की अनुभूति होगी। आपका मन प्रसन्न हो प्रफुल्लित हो जाएगा, जिस कारण आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। मदर टेरेसा जी ने सभी दीन दुखी अनाथ बालकों के जीवन में खुशियाँ भर दी तो संसार ने उन्हें नोबेल पुरस्कार देकर उनकी खुशियों को दुगना कर दिया। अंत स्पष्ट है कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। निम्नलिखित परिचय पर कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहले परिचय देखेंगे, ये परिचय दे नीचे, उसका दुकानदार ने यहाँ से लेकर यहाँ कहाँ रखेंगे उन्हें, यहाँ तक ये परिचय है। और इस पर पहला प्रश्न है, इस परिचय पर परिचय में आए दो पशु पक्षी के नाम, कौन से दो पशु पक्षी के नाम परिचय में आए, खरगोश और तोता। ये दो पशु पक्षी के नाम परिचय में आए हैं, ये खरगोश और तोता भी आया है, खरगोश और तोता। ये देखो परिचय में आए निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। माँ मित्र, माँ स्त्रीलिंगी, मित्र पुल्लिंगी। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में उचित प्रयोग कीजिए। दो अंक के लिए घोड़े बेचकर सोना, घात लगाना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना। बोर्ड की परीक्षा देकर जयश्री घोड़े बेचकर सो गई, बोर्ड की परीक्षा देकर जयश्री घोड़े बेचकर सो गई यानी निश्चित होकर सो गई। घात लगाना किसी को हानि पहुंचने के अवसर ढूंढना, घात लगाना यानी किसी को हानि पहुंचने के अवसर ढूंढना। राजेश ने मोहन को मारने के लिए घात लगाई, इस तरह लिख सकते हैं। निम्न शब्द शुद्ध करके लिखिए, खरीद कर और पेड़, तो खरीद कर यानी खरीद कर ऐसा ये शुद्ध है, और पेड़ ये पेड़ ऐसा ये शुद्ध है। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं विस्तार पूर्वक लिखिए, सोमत लिखना है अपना। पालतू प्राणियों के लिए आप क्या करते हैं, दो अंक के लिए। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, उसका नाम टॉमी है। मैं रोज शाम को उसके साथ घर के पास स्थित बगीचे में घूमने जाता हूँ। मैं उसे अपने हाथों से नहलाता हूँ, उसकी साफ सफाई भी पूरी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मेरे विद्यालय चले जाने के बाद मेरी माँ उसकी देखभाल करती है। टॉमी पूरे परिवार में सबसे अधिक मुझसे और उसके बाद मेरी माँ के साथ घुला मिला है। जब कभी वह बीमार पड़ता है तो मेरा पूरा परिवार परेशान हो जाता है। उसके ठीक होने तक मैं दिन रात उसकी देखभाल करता हूँ। उसके खान पान पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ। उसके लिए मैं दुकान से तरह तरह के पौष्टिक आहार लाता हूँ। जानवरों के लिए जरूरी से भी टीके मैं उसे लगाता हूँ। टॉमी मेरे परिवार का हिस्सा बन चुका है, इस तरह हम इस पर सहमत लिख सकते हैं। और मिलेंगे, धन्यवाद।